चल रे डोली उठाओ कहार पी। दोस्तों नमस्ते। 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन तो आप सभी ने देखी होगी। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की कहानी और इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। मिलन की रुत आई। फिल्म में सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, रेखा, नीतू सिंह, रीना रॉय, योगिता बाली, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, प्रेमनाथ, अमरीश पुरी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, मैक मोहन, जगदीप पेंटल और मदन पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म में कुल 6 गाने थे और इन सभी गानों को लिखा था वर्मा मलिक ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ऐसी वैसी ना समझ सजना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फिल्म जानी दुश्मन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। जान दे दूंगी या जान ले लूंगी। लेकिन आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जानी दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर पर जब कोई नवविवाहित जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता है तो लाल जोड़े में सजी दुल्हने गायब हो जाती है और गायब होने वाली ये दुल्हने कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। फिल्म के कहानी का असर भारत के कुछ देहाती इलाकों में इतना ज्यादा हो गया था कि वहाँ लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोग दुल्हनों को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। मौसम न कोई बहार जैसा, तूफान फूलों के। जानी दुश्मन फिल्म में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखाई दिए थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं और अगर वो जानी दुश्मन में भी ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइपकास्ट हो जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनसे एक दफा स्क्रिप्ट सुन लेने की गुजारिश की तो वो मान गए। फिर जब राजकुमार कोहली ने संजीव कुमार को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो स्क्रिप्ट संजीव कुमार को काफी पसंद आई। उन्होंने आधी कहानी सुनने के बाद ही राजकुमार कोहली को कह दिया कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि जानी दुश्मन पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में संजीव कुमार ने काम किया था। देखा ना सैयार जैसा। जानी दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए नए थे। अपने सीन में वे एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आए थे। इस वजह से गांव वाले उन्हें ही दुल्हन गायब करने वाला समझ लेते हैं और उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति कपूर अपने दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए इस तरह भाग रहे थे। तुझसे नसीब को मैं जोड़ के आ गई। इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को भी फिल्म देखने के लिए बुलाया। फिल्म शुरू हुई और जब शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता सिकंदर लाल कपूर भड़क गए और सिनेमा हॉल में खड़े होकर अपनी पत्नी से बोले, देखो देखो तुम्हारा बेटा ये कैसे कैसे काम कर रहा है। बाद में शक्ति कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां तेरे। जानी दुश्मन में विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया है जो कि आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का वेश इसलिए बदलता है ताकि गांव से रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता लगा सके। हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी इस रोल के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किसी वजह से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच में बात नहीं बन पाई और धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा ना बन सके।
इस फिल्म में शशि कपूर को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में ये फिल्म छोड़ दी थी। भूल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे। जानी दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि ये फिल्म अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। तब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अदालत का रुख किया और सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा लड़ा। अदालत ने राजकुमार कोहली के पक्ष में फैसला दिया, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया। तो दोस्तों, फिल्म जानी दुश्मन से जुड़े ये किस्से आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। पीकी नगरी ले जाओ कहाँ।